Welcome to my channel, CA Joyam. Today we shall discuss one update on RBI and banks and two updates on GST. Please like and subscribe to the channel and enjoy. Good morning friends, back after quite some time. Even I was missing posting videos, but now it will be regular. I was not well also for quite some time. Now regarding the fresh updates, directly jumping on to the main topics, one is regarding RBI and banks. Two updates on GST. There are many updates. I'll put it in a separate video. Today it will be on RBI and banks. Second, GST two-factor authorization and GST 30-day limit for e-invoice reporting on the portal. Now, sabse pehle RBI. With effect from 1st December 2023, jo loans sanction honge ya जो लोन्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जिनका कंप्लीशन 1 दिसंबर 2023 के बाद है, RBI has instructed the banks to return the collateral property documents or mortgage documents or mortgage release document of movable or immovable properties within 30 days of repayment of the entire loan. If not, the bank has to pay a penalty to the customer of 5,000 rupees per day of delay. This is a welcome step. Abhi kuch NBFCs, kuch bank, teen mehne paper hi nahi dete hain. Pata hi nahi kahan pe rakha hai, kabhi ghoom jata hai. To RBI ne ye instruct kiya hai, jo loans, nye loans sanction honge 1 December 2023 ya uske baad, ya jo loans chal rahe hain, जिनका कंप्लीशन 1 दिसंबर 2023 के बाद है, ऐसे सिचुएशन में लोन कंप्लीट रीपे हो गया तो उसके 30 दिन के अंदर सारा मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कस्टमर को वापस देना बंधनकारी है, कंपलसरी है. इफ नॉट देन पर डे 5,000 रुपीस कॉस्ट हैज टू बी पेड टू द कस्टमर फॉर एवरी डे 5,000. अब 1 दिसंबर 2023 या उसके बाद जो लोन सैंक्शन होगा, नया सैंक्शन लेटर में बैंक को यह भी लिख के देना पड़ेगा कि कंप्लीशन पे कौन सा ब्रांच, कौन सा आउटलेट या कौन से जोनल ऑफिस से वो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट कस्टमर कलेक्ट कर सकता है, ये भी मेंशन करना अभी कंपलसरी है. नहीं तो भटकते रहो, इधर है उधर है, कौन से रीजनल ऑफिस में है, कौन सा रिपोर्टिंग एंटिटी के पास है. सो द आरबीआई हैज मेड इट मैंडेटरी टू राइट द प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पोस्ट रीपेमेंट फॉर लोन्स विच आर स्टार्टिंग ऑन और आफ्टर 1st December 2023. ओके, नाउ अब अगर बैंक से ये प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट डैमेज हो गया, कभी कभी हाउसिंग लोन के डॉक्यूमेंट्स हो भी सकते हैं, 20 साल 15 साल 25 साल का टेन्योर रहता है, तो ट्रू कॉपी सर्टिफाइड कॉपीज निकाल के देना वो बैंक का ड्यूटी है. 30 दिन के अंदर नहीं दे पाए तो 5,000 रुपए पेनल्टी पर डे वो भी कस्टमर को देना पड़ेगा, और सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज निकालने के लिए जो खर्चा है वो भी बैंक को बेयर करना पड़ेगा. सो दीज आर सम यूजर फ्रेंडली इनिशिएटिव्स टेकन बाय द आरबीआई फॉर सपोर्टिंग द कस्टमर. अब ये पर्सनल लोन हो सकते हैं, एजुकेशन लोन हो सकता है, हाउसिंग लोन हो सकता है, मॉर्गेज लोन बाय वे ऑफ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो सकता है, व्हीकल लोन हो सकता है, गोल्ड शेयर्स डिबेंचर्स, ये सारी चीजें हो सकते हैं. ऐसे लोन के लिए ये नया रूल लाया गया है 1 दिसंबर 2023 से. अब अगर बोरोअर ही गुजर गया तो ये जो प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट हैंडओवर करने का लीगल हेयर को, उसका प्रोसीजर और पूरा फॉर्मेट सैंक्शन लेटर और बैंक के वेबसाइट पे ऑलरेडी दे देना चाहिए डेट ऑफ सैंक्शन में. सो दिस इज अगेन अ यूजर फ्रेंडली स्टेप बाय द आरबीआई फॉर हेल्पिंग द कॉमन बोरोअर्स, ताकि वो उनको डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन में हैसल ना फेस करना पड़े. अब कमिंग बैक टू जीएसटी, with effect from 1st November 2023, those companies having aggregate annual turnover of rupees 100 crore and more will have to compulsorily
रिपोर्ट द इनवॉइसेस ऑन द ई इनवॉइसिंग पोर्टल ऑफ जीएसटी विद इन 30 डेज ऑफ रेजिंग द इनवॉइस. अटैच्ड क्रेडिट डेबिट नोट रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी 30 दिन के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा. मतलब 1 नवंबर 2023 को अगर आपने कोई इनवॉइस रेस किया किसी पे, तो उसके 30 दिन के अंदर 30 नवंबर तक ई इनवॉइसिंग पोर्टल में वो इनवॉइस रिपोर्ट करना पड़ेगा. ये ट्रांजैक्शन से संबंधित अगर आपका क्रेडिट और डेबिट नोट है तो वो भी 30 डेज टाइम लिमिट के अंदर ही आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा. सो दिस 30 डेज टाइम लिमिट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 नवंबर 2023 फॉर कंपनीज हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ 100 करोर्स एंड मोर. और एक जीएसटी का अपडेट है, टू फैक्टर ऑथराइजेशन फॉर कंपनीज हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ रुपीज 20 करोर्स एंड मोर विल हैव टू यूज टू फैक्टर ऑथराइजेशन फॉर ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल. ये टू फैक्टर ऑथराइजेशन क्या है? जैसा बैंक में अपना नेट बैंकिंग है, मेरा सेविंग अकाउंट जैसा है कोई बैंक में, यूजर नेम पासवर्ड एक्सेस किए, कैप्चा डाले, आया, उसके बाद एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी डालने से ही आप नेट बैंकिंग एक्सेस कर सकते हैं. तो ये जो फेक अकाउंट्स है जीएसटी में, फेक बिलिंग है, फेक फॉर्म्स है, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही वो ओटीपी जाएगा, तो वो आधार ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए. अब ये लागू है वो कंपनी के लिए जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ के ऊपर है, और ये लागू रहेगा 1 नवंबर 2023 से. आप ये टू फैक्टर ऑथराइजेशन में नॉर्मल जो ओटीपी है मोबाइल पे आता है वो, नहीं तो संदेश ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या जीएसटी पोर्टल के ई वे बिल ई इनवॉइसिंग फैसिलिटी वाला जो मेन्यू ऑप्शन है ना, उससे एनआईसी जीएसटी शील्ड वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें जब आप ये ई वे बिल ई इनवॉइसिंग रिपोर्ट करते हैं, ये ओटीपी आने के बाद जो ऑथराइजेशन का नंबर और ये आएगा वेरिफिकेशन डिटेल, वो मैच होना चाहिए आपके ई वे बिल या ई इनवॉइसिंग पे, टू सेव गार्ड की ये असली में बिजनेसमैन है. सो दीज आर द 3 अपडेट्स फॉर दिस वीक. अब गुजरात हैज कम आउट, द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गुजरात सडनली हैज ब्रॉट आउट अ सर्कुलर एस्टेड स्टेटिंग दैट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते वक्त अभी आपको कंपल्सरीली पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना पड़ेगा जो रजिस्टर्ड बिजनेस पर्सन है उसका. सो दिस इज समथिंग वेरी न्यू, गुजरात ने अडॉप्ट कर लिया है इमीडिएटली 1 अक्टूबर से. अभी देखते हैं बाकी स्टेट्स क्या करते हैं. सो थिंग्स आर गेटिंग स्ट्रिक्टर. और भी अपडेट्स है आरबीआई एंड बैंक का पिनल इंटरेस्ट को लेके, हाउस रेंट अलाउंस का जो एग्जेम्पशन है उसका परसेंटेज जो है, इनकम टैक्स के भी अपडेट है. आई विल कवर इट इन द सेपरेट. नाउ द वीडियोज विल बी रेगुलर, अपडेट्स रहेंगे. टैक्स ऑडिट का डेडलाइन भी है 30th September. फॉलो इट, कंप्लीट योर शेड्यूल, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव योर फीडबैक. हैव अ नाइस डे एंड अ नाइस वीक. We'll be right back.